मैं अंकिता। दोस्तों, हमारे इस नागपुर शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने आ गए हैं महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा भव्य नागपुर मेगा ट्रेड फेयर। श्री गणेश उत्सव के उपलक्ष में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन 19 अगस्त से आप सभी के लिए शुरू। आपके लिए इस मेले में आकर्षण का केंद्र रहेगा खूबसूरत द्वार, जिसे देख आप यहाँ आने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन उत्सव खरीदारी से भरपूर इस भव्य हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क में। आपको बता दें कि यह मेला शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक रेशम बाग मैदान नागपुर में रखा गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस मेले में क्या क्या रहेगा आपके लिए विशेष। नमस्ते, मेरा नाम चंदू निखारे है। वैसे मैं अपनी फैमिली के साथ में हम लोग नागपुर में ही रहते हैं और पहली बार इसे 6 महीने का हुआ है। पहली बार इसे मतलब मेला दिखाने लाए हैं। लाइट्स रहती है, ये रहता है तो इसे अच्छा लगेगा। और वैसे भी हम जस्ट आए हैं तो अभी शुरुआत में ही बहुत अच्छा लगा देख के, और सेम चीज़ अभी इंजॉय करेंगे सारी चीज़ें। झूला है, लाइट्स है, बच्चे के हिसाब से जैसे पहली बार आए हैं हमने कहा तो उसके हिसाब से ही झूले हैं, झूले में लाइट्स है, वो चीज़ें इंजॉय करेगा ये। और बाकी हम तो मतलब ये स्टॉल वगैरह देखेंगे। सर, हम बैतूल से आए हुए हैं और हमारे बच्चे हमेशा हर साल मेले का इंजॉय करते हैं, तो इस बार भी बोले गणपति आया चलो मेला देखने, तो इसकी वजह से नागपुर आए हुए हैं। सभी बढ़िया है सर, बच्चे का इंजॉय हो जाए बस। आकोट से खाली मेले के लिए गणपति देखने के लिए आए हुए हैं। पंकज साहू।
हमें नागपुर में मेला आया है तो बहुत खुशी की बात है, सबको अच्छा लगता है, बच्चों का एंजॉय होता है और जो सुविधाएं मेले में मिलती है तो उससे बच्चे अधिक खुश होके यानी उनको बहुत अच्छा लगता है और एक अलग सी उनको एक चालना मिलती है खेलने के लिए, कूदने के लिए। और इनमें उनका जो डर रहता है झूले में वगैरह बैठने से थोड़ा दूर होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेला नागपुर में आए बहुत एंजॉय किया हमने, झूले में कुछ जो स्टॉल लगे हैं उसमें कुछ अलग अलग जो चीज़ें मिल रही है उससे भी यानी जो लोग यहाँ आते हैं उससे वो भी बहुत खुश होते हैं कि जो चीज़ बाहर नहीं मिल सकती वो इस मेले में मिल सकती है। बहुत सी सुविधाएं हैं, प्रेक्षक लोग जो आ रहे हैं उनको यानी फैसिलिटी है अच्छी, लेकिन जो रेट है मेले के वो बहुत बड़े हुए हैं, जो यानी डबल ट्रिपल रेट हो गए हैं, उसके कारण थोड़े लोग नाराज भी है। मेरा नाम सीमा वेरुड़कर है। मेला मध्ये खूप छान छान से झूले, खूप छान छान से गाड्या आहेत, पोरांना खेळायला पण खूप सुविधा आहे। ते आणि पण रेट कसा कोरोना मुळे जास्तच रेट झालाय, पहिले 30 रुपये रेट होता आता 50 रुपये छोट्या गाड्यांचे पण पोरांचे लई झाले आहेत। आणि दुकानं पण छान आहेत, आईस्क्रीमचे वगैरे झूले आकाश पाडणे वगैरे खूप छान आहेत, आम्ही खूप एन्जॉय केला, आम्ही पण झुल्यांमध्ये वगैरे बसलो। आणि इथे जे काही दुकानं आहेत ते पण छान आहे, सगळी सुविधा आहे इथे आणि काही प्रॉब्लेम नाही, काही भीती नाही आहे इथे, बिंदास फिरू शकता आणि बिंदास तुम्ही एन्जॉय करू शकता। माझं नाव स्नेहा गणेश कनुजे आहे, मी नागपूरचीच आहे प्रॉपर। आणि नागपूर हा आपला म्हणजे सिटी एवढी मोठी आहे की इथे कुठली पण सुविधा कधी पण काही पण होऊ शकते, इतकं छान आहे नागपूर। देखो वैसे तो जीवन एक मेला है, यहाँ जो मेला लगा है बहुत अच्छा है, मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने। बाकी अभी युवा पीढ़ी में इसमें ज़्यादा जोश है इस मेले में। अभी हम लोग तो बस बच्चों को लेके आए हैं, घुमा रहे हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। ये झूला जो है बड़ा वाला स्पेशल, इसकी डिमांड थी कि इस पे बड़े वाले झूले पे झूलना है, और बाकी बहुत सारे झूलों पे झूलने के लिए बच्ची तो गई है अकेली, मैं सिर्फ उसका वेट कर रहा हूँ। हाँ एंजॉय कर रहे हैं लोग। मैं वरोरा से दिगंबर फालके। अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही मज़ा आया। ड्रैगन फ्लाई और बहुत कुछ हाँ, मेरा नाम है जनार्दन पिंपलगढ़े, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे रेशिम। एंजॉयमेंट अभी नहीं है, अभी जस्ट आए बच्चों का भी झूला वो है, घूमना फिरना चालू है, दो झूला वोरे लगाए बच्चों का भी, बच्चे एंजॉयमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ नहीं, बाकी ठीक ठाक है सब। यही नागपुर बाजू में ही मेरा रेशिमा का रहना है। जनार्दन पिंपलगढ़े।
रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है यहाँ पर हमको। प्रोजेक्ट हमारा है प्लॉटिंग का है, प्लॉट सेल करते हैं हम। हमारे लेआउट्स है नागलवाड़ी वानाडोंगरी में, अभी नया लेआउट जो लॉन्च हुआ है उसमें 21 एमिनिटीज़ है उसमें, जो नागपुर में कहीं पर भी नहीं है, उसके साथ में लॉन्च करें। रिस्पांस अच्छा है। विजिट कस्टमर अभी आज 3-4 कस्टमर विजिट हुए, 4 कस्टमर विजिट हुए। वेटिंग पे है फिर बाकी कम से कम 25-30 कस्टमर वेटिंग पे। अम्यूनिटीज स्विमिंग पूल है, क्रिकेट पिच है, प्रैक्टिस है, ओपन थिएटर है, इंडोर गेम आउटडोर गेम, ऐसे 21 टाइप के अम्यूनिटीज दे रहे हैं। मेरा नाम कमलेश सहारे। बहुत अच्छा है यहाँ पे, हर चीज़ खाने पीने की चीज़ें हैं सारी, मतलब खेलने की फैसिलिटीज़ हर चीज़ है, बच्चे लोग से लेके बड़ों के लिए तक हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे महिलाओं के लिए शॉपिंग्स हैं, बच्चों के लिए खिलौने टॉयज़ हर चीज़ है, खाने पीने के लिए बच्चों से लेके आइसक्रीम मतलब बड़ों तक सब चीज़ें हैं। और हमने यहाँ पे त्रिशा टेम्पटेशन स्टॉल लगाया है, वो काफ़ी हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड कॉफ़ी एंड बर्गर अवेलेबल है, सारे शेक्स अवेलेबल है, वो सारे चीज़ों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। बच्चे लोग और बड़े सारे मतलब बहुत पसंद कर रहे हैं उस खाने को, उस चीज़ को। हमने काफ़ी अच्छे से हाइजीन भी मेंटेन किया हुआ है और यहाँ पे भी साफ़ सुथरापन भी बहुत है, यानी इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी हर चीज़ें मेंटेन और अच्छी है। और यहाँ से हाँ, और काफ़ी टाइम तक रहता है ये, ऐसे नहीं है कि कस्टमर नाराज़ होकर हमारे यहाँ से जाते हैं, नहीं, हर कस्टमर्स हर लोग जहाँ दूर दूर से यहाँ पे आते हैं रेशम बाग में, वो हैप्पी होकर ही जाते हैं और हमें थैंक यू भी बोलते हैं। और हमारी जो स्टोर इसकी है त्रिशा टेम्पटेशन की, जो फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड कॉफ़ी, जो शेक्स है, वो बहुत पसंद कर रहे हैं। जितने भी नागपुर के लोग हैं यहाँ पे आए, अपना स्ट्रेस जो है वो हल्का करे, मज़ा करे, एंटरटेनमेंट करे और फन करे, जितना फन हो सकता है उतना फन करे। अपना जो भी है दिन भर का जो थकान है वो यहाँ पे आके आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। खाना है, एंटरटेनमेंट है, शॉपिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके यंगर्स के लिए, हर एक के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। शैलेश नगरकर, ये मेरी वाइफ है वैशाली नगरकर। पूनम ठाकुर है और मैं ये उषा मैडम के ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। हम जहाँ भी इनका मेला लगता है वहाँ एग्जीबिशन में मेला स्टॉल लगाते हैं और मेरे यहाँ 250 रुपये से लेके कुर्ती स्टार्ट है। 250 रुपये से 2000 तक का कुर्ती पैंट सेट वगैरह मिल जाएंगे। मेरे यहाँ साड़ी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिंग, प्लाजो, पैंट सब मिलता है और वन पीस वगैरह सब मिल जाएगा। रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी 1 तारीख से मेला चालू हुआ है, 15 सितंबर तक चलेगा। गणपति में रश और बढ़ गई है। अब आपकी बारी है, इस खास मौके को हाथ से जाने ना दें। अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ मेले में अवश्य पधारें।
मैदान से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ अंकिता दुबे, बीसी न्यूज नागपुर।